नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावाद का। छायावाद के अंतर्गत जितने भी प्रश्न होंगे और जितनी भी आपके मन में जिज्ञासाएं होंगी उसका मैं आज समाधान करने का प्रयास करूंगा। छायावाद की समय सीमा है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी। तो आज छायावाद का हम देखेंगे, छायावाद का अर्थ क्या है, छायावाद की परिभाषा क्या है, छायावाद की समय सीमा क्या है, छायावाद का नामकरण किया गया वह सही है कि नहीं है। तो इन सभी प्रश्नों के संबंध में हम विचार करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि जो प्रमुख विद्वान हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने छायावाद को किस प्रकार परिभाषित किया है और इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। तो यह जो हिंदी साहित्य का जो छायावाद है इसकी समय सीमा है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। तो यहाँ पर आप जितने भी चीजें यहाँ पर देख पा रहे हैं वे सभी परीक्षाओं में पूछी जाते हैं, इसलिए शुरू से अंत तक इसे जरूर देखें। हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। जहां पर मुझे समझाना होगा वहां पर समझाऊंगा और इन सब चीजों को कुछ समझाने की आवश्यकता है नहीं। तो हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रथम प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे जी ने। सन 1920 में जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका श्री शारदा में हिंदी में छायावाद शीर्षक से चार चरणों में लेख लिखकर छायावाद की आरंभिक विवेचना की। तो इन्होंने सबसे पहले हिंदी में छायावाद के नाम से लेख लिखा, यह चार चरणों में था और इस पर पर्याप्त विचार विमर्श इन्होंने किया। मुकुटधर पांडे ने अपने लेखों में छायावाद की पांच विशेषताओं का उल्लेख किया जो निम्नानुसार है। मुकुटधर पांडे ने जो छायावाद की पांच विशेषताएं बताई अपने लेखों में वे इस प्रकार हैं। पहला है वैयक्तिकता, वैयक्तिकता मतलब इंडिविजुअलिटी, खुद के बारे में जो लिखते हैं। दूसरा है स्वातंत्र चेतना, स्वतंत्रता की चेतना, क्योंकि उस समय भारत क्या था, पराधीन था, परतंत्र था। फिर रहस्यवादिता, जिसको हम रोमांटिसिज्म के नाम से जानते हैं, जैसे देवी जी की कविता में जो रहस्यात्मकता है रहस्यवादिता है। शैलीगत विशिष्ट, जो छायावादी कविता थी उसकी एक विशिष्ट शैली थी, लिखना का एक अलग तरीका था। और पांचवा अस्पष्टता, मतलब समझ में नहीं आता कि किसको एड्रेस करके किसको संबोधित करके यह कविता लिखी जा रही है, किस विषय में है। तो छाया जो शब्द है वह वास्तव में एक व्यंग्य के रूप में प्रयोग में लाया गया था जो अस्पष्टता का द्योतक था, प्रतीक था। सरस्वती पत्रिका जुलाई 1920 अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की कविता कुररी के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। छायावाद की प्रथम कविता किसे मानते हैं? मुकुटधर पांडे जी की जो कविता है कुररी के प्रति, इसे छायावाद की प्रथम कविता इसे माना जाता है। और यह जो सरस्वती पत्रिका थी इसमें 1920 अंक में यह प्रकाशित हुई थी और उसमें संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे शायद, है ना। तो ये सारे जो प्रश्न है यह प्रायः परीक्षाओं में, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम हो, इसमें यह प्रायः पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में मुकुटधर पांडे जी को छायावाद का प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे जी की कविताएं कौन कौन सी थी? आंसू, उद्गार, प्रेम बंधन, पूजा फूल, कानन कुसुम आदि इनकी रचनाएं हैं। अब हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावाद का विकास किस प्रकार हुआ। प्रवर्तक तो मुकुटधर पांडे जी को मान लिया गया, लेकिन इसका विकास किस प्रकार हुआ? हिंदी साहित्य में छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हुआ। आपको मालूम है कविता का विकास किस प्रकार हुआ है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छाया या छायावादोत्तर युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इस प्रकार। तो हिंदी साहित्य में छायावाद का विकास किसके बाद हुआ? द्विवेदी युग के बाद हुआ है। मोटे तौर पर छायावादी काव्य की समय सीमा 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी जा सकती है। तो यह इसका टाइम पीरियड हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवि जो पंत प्रसाद निराला, इन्होंने अपनी रचनाएं इसी वर्ष के आसपास लिखनी प्रारंभ की थी। 1918 ईस्वी में भी जयशंकर प्रसाद जी की एक प्रमुख कृति झरना प्रकाशित हो चुकी थी और निराला जी की जो प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पंत जी के पल्लव की कुछ कविताएं भी 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी।
यह जूही की कली है, इसे छायावादी काव्य की समय सीमा से बाहर की कविता मानी जाती है, इसे छायावाद के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाता है। प्रसाद जी की कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई तथा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर छायावाद की अंतिम सीमा 1936 ईस्वी मानना समीचीन है, प्रासंगिक है। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई थी और 1936 में ही प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, जिसके बाद फिर प्रगतिवादी काव्य का शुभारंभ हुआ। प्रगतिशील या प्रगतिवादी काव्य किसे कहते हैं? जो मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित होती है। राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। तो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और जिसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद जी। इसलिए छायावाद की अंतिम सीमा मानी गई है 1936 ईस्वी को। छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। मतलब द्विवेदी युगीन जो काव्य थे उससे लोग ऊब चुके थे, उसकी प्रतिक्रिया में एक नई कविता, एक नई पद्धति ने जन्म लिया। क्योंकि द्विवेदी युगीन जो कविता थी विषयनिष्ठ थी, कंटेंट बेस्ड थी, वर्णन प्रधान थी, उसमें वर्णन किया जाता था चीजों का, और स्थूल थी। मतलब कोई ऐसा भावनात्मक और निजी अनुभूतियों को उसमें वर्णन नहीं किया जाता था, तो उतना मजा नहीं आता था लोगों को पढ़ने में, साधारणीकरण नहीं हो पाता था, लोग उससे जुड़ नहीं पाते थे। जबकि छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म है। लेकिन छायावादी कवि में कवि अपनी निजी अनुभूतियों की को अभिव्यक्ति प्रदान करता है, यह कल्पना प्रधान है, कल्पना की प्रधानता है, और सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब रहस्यवाद है, इसमें बहुत सारी चीजें रहस्यवादी हैं, रोमांटिसिज्म जिसे हम कहते हैं। प्रारंभ में छायावाद का प्रयोग व्यंग के रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, जिनकी छाया अर्थात अर्थ कहीं और पड़ती थी। किंतु कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था और वेदना की रहस्यमय अनुभूति की लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती थी। शुरुआत में जो छाया शब्द का जो प्रयोग किया गया, या छायावाद शब्द का प्रयोग किया गया, वह व्यंग्य के रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जिसका अर्थ कहीं और रहता था। मतलब जो पढ़कर हमको समझ में नहीं आता इसका अर्थ कहां पर है, मतलब यहां हम कुछ बोल रहे हैं उसका अर्थ कुछ और है, उसको अर्थ समझने के लिए कुछ परेशानी होती थी लोगों को। तो यह बाद में लेकिन उन कविताओं का रूढ़ हो गया जिसमें प्रकृति और मानवीय सौंदर्य, सूक्ष्म सौंदर्य मतलब अंतर्निहित सौंदर्य का जिसमें वर्णन होता था, और जो हमारी प्रकृति है उसमें आध्यात्मिक चेतना मतलब ईश्वर के विराट सौंदर्य का दर्शन होता था, ईश्वर की अनुभूति होती थी, और वेदना की रहस्यमय अनुभूति जो कि आप महादेवी वर्मा की कविताओं में और आंसू इत्यादि कविताओं में आप देख सकते हैं। तो जो रहस्यमय जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं उसकी अनुभूति होती थी, और यह प्रतीकात्मक शैली में, अभिव्यंजनात्मक शैली में लिखी जाती थी। अभिव्यंजना मतलब होता है एक्सप्रेशनिज्म, किसी चीज को एक्सप्रेस करना, और लाक्षणिक मतलब आपको पता है तीन शब्द शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इस प्रकार इसमें लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता की प्रधानता थी, जैसे दीपक जो है आत्मा का प्रतीक है इसी प्रकार। अब छायावाद की प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? प्रायः परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि किस विद्वान ने छायावाद को किस प्रकार से परिभाषित किया है। सबसे पहले देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में होता है। मतलब छायावाद एक प्रकार तो रहस्यवाद के अर्थ में, रहस्यवाद मतलब जो प्रकृति है उसमें एक विराट सत्ता, आध्यात्मिक चेतना का हम को अनुभूत करते हैं, उसकी अनुभूति हमको होती है। जैसे महादेवी वर्मा जब अपने अज्ञात प्रीतम के प्रति प्रणय निवेदन करती हैं तो वह रहस्यवाद है, और इसी प्रकार जब उसको बहुत ही चित्रमय भाषा में मतलब हमारे सामने एक चित्र खींच दी जाती है, पढ़कर हमको जो अमूर्त है वह अमूर्त हो जाता है, साकार हो जाता है। और छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष, क्योंकि छायावाद की जो शैली थी वह लाक्षणिक शैली थी, प्रतीकात्मक शैली थी। तो इस प्रकार इन्होंने इसको परिभाषित किया। जयशंकर प्रसाद जी का यह कहना है जब वेदना के आधार पर सहानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी तब उसे हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। मतलब जो कवि की जो वेदना है, जो कवि की दुख कातरता है, उनकी जो स्वयं की अनुभूति है,
जब उसकी अनुभूति होने लगी, जब उसको कवि कविताओं में अभिव्यक्ति प्रदान करने लगा, तब उस शैली को और उस परंपरा को हम छायावाद के नाम से अभिहित किया गया, उसे नाम दिया गया। और छायावाद में क्या क्या विशेषताएं देखते हैं, ध्वन्यात्मकता, जिसको पढ़कर हमें गुंजन का एहसास होता है, ध्वनि का एहसास होता है, एक गूंज होता है, एक अनुनाद होता है। लाक्षणिकता, अविदा लक्षणा व्यंजना। सौंदर्य में प्रतीक विधान, बहुत सुंदर सुंदर प्रतीकों का प्रयोग किया गया। तथा उपचार वक्रता, विभिन्न प्रकार से बातों को कहा गया, अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से, आश्चर्यजनक ढंग से कहा गया। इसके साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं। स्वानुभूति मतलब कवि की जो अनुभूति है उसको कवि ने इसमें अभिव्यक्ति प्रदान किया, अभिव्यंजना प्रदान किया। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का यह मानना है, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगी लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। मतलब जब आत्मा और परमात्मा एक रूप हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, तब क्या होता है, छायावाद की सृष्टि हो जाती है। डॉक्टर नगेंद्र का क्या कहना है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह सब बहुत महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट्स हैं, परिभाषाएं हैं, जो प्राय परीक्षाओं में पूछी जाती है। यदि आप परीक्षा में उत्तर लिखते हैं तो दो तीन परिभाषाएं आप लिख सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का यह कहना है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह प्राय पूछा जाता है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। मतलब जब हम मूर्त चीजों को, मूर्त प्रतीकों को अमूर्त प्रस्तुत विधान के माध्यम से व्यक्त करते हैं, अमूर्त रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे जो दीपक है मूर्त है, प्रत्यक्ष है, लेकिन जब महादेवी जी वर्मा उसका प्रयोग करती हैं तो अमूर्त रूप में आत्मा के लिए उसका प्रयोग करती हैं। तो इस प्रकार छायावाद क्या है, भावनाओं के अभिव्यक्ति का एक विशेष प्रकार है और जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है, जिसमें कवि अपनी निजी अनुभूतियों का वर्णन करके उसे साधारणीकृत कर देता है और वह आम जनजीवन, आम जनता को यह लगता है कि यह मेरी अनुभूति है जिसे कवि ने अपने शब्दों में अभिव्यक्ति प्रदान की है। अर्थात कवि की अनुभूति जन साधारण की सहृदय की अनुभूति हो जाती है, पाठकों की, श्रोताओं की अनुभूति हो जाती है। महादेवी वर्मा क्या कहती हैं, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बे जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। वास्तव में छायावाद क्या है, प्रकृति के बे जीवन का उद्गीत है। मतलब जब हम अपने जीवन को प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से हम उसका अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, या फिर आध्यात्मिक प्रतीकों के माध्यम से हम जब जीवन को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, तब क्या हो जाता है, वह छायावाद में परिणत हो जाता है। और इसका मूल दर्शन है सर्वात्मवाद है, सर्वेश्वरवाद है, मतलब सब तरफ ईश्वर के दर्शन होते हैं। मतलब हमारे आसपास जो भी प्रकृति है, जो भी हमारे सामने आसपास दृष्टिगोचर हो रहा है, सब में ईश्वर का वास है। उद्गीत मतलब होता है उद्गम। तो महादेवी जी का यह मानना है, महादेवी जी वर्मा पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव था और बौद्ध दर्शन में क्या वेदना को प्रधानता प्राप्त है, यह हमेशा ध्यान में रखें, परीक्षा में प्राय पूछा जाता है। महादेवी जी बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी और जयशंकर प्रसाद जी शैव दर्शन से प्रभावित थे, प्रतिभिज्ञा दर्शन से प्रभावित थे। और डॉक्टर रामविलास शर्मा का यह कहना है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान में हुआ, इसलिए उसके साथ मध्य वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। डॉक्टर रामविलास शर्मा एक नए तरीके से परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जो छायावाद है वह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, बल्कि जो थोथी नैतिकता, सिर्फ नैतिकता का जो दिखावा था, जो रूढ़िवाद थी और जो सामंती साम्राज्यवाद था, उस समय भारत परतंत्र था, उसके बंधनों के प्रति जनता ने विद्रोह किया, कवियों ने विद्रोह किया, यह उसका प्रतीक है। और यह विद्रोह किसकी निगरानी में हुआ, किसके माध्यम से हुआ, यह विद्रोह मध्यम वर्ग के द्वारा किया गया। और इसीलिए इस कविता में छायावाद में क्या क्या जुड़ा हुआ है, मध्य वर्गीय असंगति, उनके जीवन में जो विडंबना है, जो असंगति है, जो एब्जर्डनेस है, जो पराजय है, जो पलायन की भावना है, यह सभी जुड़ी हुई है। इसीलिए वह मूर्त जीवन से पलायन करके अमूर्त जीवन की ओर अग्रसर होते हैं, जैसे आध्यात्मिक प्रतीकों की ओर, अध्यात्म की ओर, रहस्यवादिता की ओर अग्रसर होते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या कहना है, छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना थी। इनका मानना है कि जो पश्चिम में जो रोमांटिसिज्म जो आंदोलन था उसका इस पर प्रभाव था। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में
ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। तो पश्चिमी जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो रहस्यवाद है, जिसे हम रोमांटिसिज्म के नाम से जानते हैं, जो मुख्य रूप से ईसाइयों में प्रचलित था, जहाँ चर्च की प्रधानता थी, ईसाइयों में रहस्यवादी यह भावना थी, वहीं से इसे लिया गया। और इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? हिंदी में पहले बांग्ला में पढ़ा डॉक्टर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर में जब इसका प्रभाव पड़ा, उसके बाद क्योंकि वहां पर पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, नवजागरण की शुरुआत हुई थी, उसके बाद यह हिंदी साहित्य में आया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह मानना है। आचार्य नंदलाल वाजपेयी जी क्या कहते हैं? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म मतलब जो हमको दिखाई नहीं देता, जो अमूर्त है, किंतु व्यक्त सौंदर्य। व्यक्त सौंदर्य मतलब जो स्पष्ट रूप से तो हमको नहीं दिखता, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको महसूस करते हैं। मैं आध्यात्मिक छाया का भान, मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। मतलब हमारे जीवन में जो सौंदर्य बोध है, हमारी जो प्रकृति है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, उसमें हम एक आध्यात्मिक शक्ति की हमें अनुभूति होती है। जो परमपिता परमेश्वर है, उसकी विराट सत्ता और चेतना की हमको अनुभूति होती है, और जब हम उसको कविताओं के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं, तो वही छायावाद है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं? वह मतलब छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है, और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद नहीं, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो कविता है राम की शक्ति पूजा, उसमें जो छंद है उसे हम कहते हैं शक्ति छंद। तो यहां शक्ति से तात्पर्य है जो जागरण गीत है, जैसे जागो फिर एक बार। तो इस तरह क्या है, उसमें पुनर्जागरण की चेतना की आवश्यकता थी, क्योंकि भारत परतंत्र था। तो पुनर्जागरण की चेतना ने जब व्यापक रूप धारण कर लिया, और उसने अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव के व्यक्तित्व को गहरे रूप से प्रभावित किया, तो जिस कविता ने जन्म लिया, जिस नए वाद ने जन्म लिया, जिस नए विचारधारा ने जन्म लिया, वह क्या है? छायावाद है। अब डॉक्टर नामवर सिंह का क्या मानना है? मतलब पुनर्जागरण से उसको जोड़ रहे हैं, रामचंद्र चतुर्वेदी जी से शक्ति काव्य कह रहे हैं, पुनर्जागरण गीत कह रहे हैं। डॉक्टर नामवर सिंह का भी लगभग यही कहना है, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की व्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है, तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। इन्होंने इसमें एक नई बात जोड़ दी कि जो छायावाद है वह सिर्फ परतंत्रता से पराधीनता से मुक्ति का प्रतीक नहीं है यह छायावादी कविता, बल्कि जो हमारी पारंपरिक रूढ़ियां हैं, जो समाज में जो व्याप्त आडंबर है, जो रूढ़ियां हैं, उससे भी मुक्ति की अभिव्यक्ति छायावाद में की गई है। तो यह क्या राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है, जिसमें दो बातें शामिल है, एक तो पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति भी शामिल है, दूसरी अंग्रेजी दासता से भी मुक्ति शामिल है। डॉक्टर नामवर सिंह ने पुनः इसे परिभाषित करते हुए कहा है, छायावाद व्यक्तित्व की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। मतलब छायावादी कविता में कवि की निजी अनुभूतियों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, मतलब इसमें व्यक्ति को बहुत महत्व प्रदान किया गया है। और यह भी कहा गया है कि समाज को प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करना होगा। कुल मिलाकर यह व्यक्तिवादी कविता है, व्यक्तिगत चेतना की कविता है, कवि की निजी अनुभूतियों की चेतना है की अभिव्यक्ति है, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति है। अब हमने इन सभी परिभाषाओं के आधार पर यदि हमसे कुछ पूछे कि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, प्रमुख लक्षण कौन से हैं, तब हम कह सकते हैं छायावादी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति रहती है। रहस्यवादी प्रवृत्ति मतलब रोमांटिसिज्म, मतलब जो प्रकृति के जो उपादान है उसमें एक विराट सत्ता या विराट चेतना के दर्शन करना, और उस विराट सत्ता को हम क्या है संबोधित करते हुए कविता की रचना करना। कवि के द्वारा जब यह किया जाता है तब उसे हम कहते हैं रहस्यवाद या फिर छायावाद। छायावादी कविता प्रेम सौंदर्य एवं प्रकृति का काव्य है। छायावादी कविता में सर्वत्र आपको प्रेम और सौंदर्य और प्रकृति दिखाई देता है। छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता रहती है, मतलब इसमें मूर्त प्रतीकों के स्थान पर अमूर्त प्रतीकों का इसकी प्रधानता रहती है, और जो स्थूलता मतलब जो हमको दिखाई दे रहा है जो मूर्त है उसके स्थान पर सूक्ष्मता को प्रधानता दी जाती है। रहस्यवाद अमूर्त को, अमूर्त प्रतीकों, अमूर्त चीजों को प्रधानता दी जाती है, जो हमको दिखाई नहीं देते, जो अमूर्त है, अगोचर है, जो दृष्टिगोचर नहीं होते। छायावाद के शैली शिल्प एवं अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता है। छायावादी जो शैली है वह लाक्षणिक है, इसमें प्रतीकों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया गया है, लाक्षणिक प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसकी जो शैली है वह पूरी तरह से भिन्न है, विशेष है। और इसमें जो अभिव्यक्ति की जो अभिव्यक्त करने का जो तरीका है, जो तौर तरीका है, वह भी
द्विवेदी काल से अथवा भारतेंदु कालीन जो कविता है उससे पूरी तरह से भिन्न है, अर्थात इसमें नवीनता है। छायावाद में स्वानुभूति की प्रधानता है। स्वानुभूति मतलब स्वयं की अनुभूति, इसमें कवि की निजी अनुभूतियों को प्रधानता दिया गया है। तो यह प्रमुख लक्षण या प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके ऊपर मैं बाद में डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा। तो अगर अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ही स्टडी कंटेंट मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। हालांकि मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे व्यूवर्स तो बहुत है लेकिन मेरे उतने फॉलोअर्स मतलब सब्सक्राइबर नहीं है। अभी तक 10,000 के आंकड़े को भी छू नहीं पाया है मेरा चैनल, जबकि कंटेंट का स्टैंडर्ड आप खुद समझ सकते हैं कि क्या है। पेड कंटेंट भी इतना अच्छा आपको नहीं मिल पाएगा। तो उक्त लक्षणों के आलोक में छायावाद की एक सर्वमान्य परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। ऊपर हमने जो भी बातें की, जो भी परिभाषाएं देखी और पढ़ी, तो उसके आधार पर हम छायावाद को यदि कहें कि हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। प्रेम प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी, रहस्य परक सूक्ष्म अभिव्यंजना लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहा जाता है। मतलब प्रेम प्रकृति और मानव सौंदर्य, वो जब कवि अपनी निजी अनुभूतियों के द्वारा रहस्य परक ढंग से और लाक्षणिक प्रतीकों के माध्यम से, विशेष प्रकार के अमूर्त प्रतीकों के माध्यम से, लाक्षणिक प्रतीकों के माध्यम से प्रतीकात्मक शैली में जब अभिव्यक्ति प्रदान करता है, तब उस काव्य को हम कहते हैं छायावाद। अब छायावाद क्या, इन दोनों में क्या अंतर है? तो जब परीक्षा में आप उत्तर लिखेंगे तो इन सब सारी चीजों को आपको लिखना होगा, और तभी आप छायावाद को बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर पाएंगे, लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसलिए मेरे लेक्चर ऐसे रहते हैं कि आप शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको फायदा होगा। छायावाद का छाया शब्द अस्पष्टता के अर्थ में प्रयोग में लाया गया। मतलब छायावाद में जो छाया शब्द है इसका व्यंग्यात्मक तरीके से प्रयोग किया गया। मतलब जो चीजें समझ में नहीं आती थी आलोचकों को, तो कहते थे यह तो छाया है, छायावाद है, मतलब जो समझ में नहीं आती, इसका अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है कि कवि कहना क्या चाहता है। इस अस्पष्टता का संबंध अर्थ की अस्पष्टता से है। इसके दो कारण है। मतलब आलोचकों को समझ में नहीं आता था कि कवि कहना क्या चाहता है, इस कविता का अर्थ क्या है। तो इसके दो कारण है। पहला कारण है छायावादी कवि की रहस्यात्मकता। जैसे हम महादेवी वर्मा जी की जब हम कविता को पढ़ते हैं तो उन्होंने अज्ञात प्रीतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है, तो हमको यह समझ में नहीं आता कि वास्तव में वहां कोई व्यक्ति है कि कोई ईश्वर है, तो उसमें एक रहस्यात्मकता है। पता नहीं इन्होंने किनके प्रति प्रणय निवेदन किया, यह समझ में नहीं आता था। दूसरा है छायावादी कवियों की प्रतीकात्मक शैलिया लाक्षणिकता। मैं बता चुका हूं कि छायावादी कवियों ने प्रतीकों का भरपूर प्रयोग किया है, खासकर महादेवी वर्मा प्रतीकों के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध रही है। इनके ऊपर मैंने एक लेक्चर भी बनाया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। अर्थात लाक्षणिकता, मैं बता चुका हूं कि शब्द शक्ति तीन प्रकार के होते हैं, अभिधा लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में डायरेक्ट हमको पता चलाता है, लक्षणा में जैसे कि हम अभिधा मतलब जैसे वह गधा है, हम बोलते हैं वह गधा है तो क्या समझते हैं कि गधा मतलब एक पशु है। किसी व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं कि वह गधा है तो हम समझते हैं कि वह मूर्ख है, तो यह लक्षणात्मकता हो गया। तो इस प्रकार इसमें क्या हुआ, कवियों के प्रतीकात्मक, छायावादी कवि ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया, लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया। और ये दोनों ही बातें जब आलोचकों को समझ में नहीं आई तो उन्होंने कह दिया कि यह तो छाया है, मतलब उन्होंने व्यंग कर दिया इसके ऊपर। आगे चलकर आचार्य शुक्ल ने यह स्वीकार किया कि छायावाद केवल रहस्यवाद तक सीमित नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने छायावाद की अपनी पूर्व की परिभाषा को संशोधित करते हुए कहा कि लाक्षणिक और चित्रात्मक भाषा में जो भी अभिव्यक्ति की जाती है वह छायावाद के अंतर्गत है, लेकिन छायावाद में छाया शब्द का प्रयोग महज अस्पष्टता तक सीमित नहीं है। कहीं पर छाया शब्द की व्याख्या प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में की गई है तो कहीं पर अनुकरण के परिप्रेक्ष्य में। तो उन्होंने अपनी जो पहले परिभाषा दी थी उस पर उन्होंने संशोधन करते हुए कहा कि छायावाद का तात्पर्य केवल रहस्यवाद नहीं है, बल्कि छायावाद में क्या होता है, प्रतीकों के माध्यम से, लक्षणों के माध्यम से और चित्रात्मक भाषा के माध्यम से जो अभिव्यक्ति प्रदान की जाती है वह कविता छायावाद के अंतर्गत आती है। लेकिन यहां पर छाया शब्द का प्रयोग केवल अस्पष्टता के लिए नहीं किया जाना चाहिए, अर्थ की अस्पष्टता के लिए छाया शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि प्रभाव मतलब व्याख्या जो की जाती है उसकी और उसका जो प्रभाव पड़ता है पढ़ने वाले या सुनने वाले के ऊपर उसके परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, और कहीं कहीं पर जो छाया है वह अनुकरण के परिप्रेक्ष्य में भी उसको समझा जाना चाहिए। जैसे अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है कि जो विराट सत्ता है, विराट चेतना है, उसका अनुसरण करके कवि लिखता है ना। तो इसी प्रकार कहीं पर अनुकरण के संबंध में छाया का प्रयोग होना चाहिए। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इशारा किधर है, ईसाई धर्म के फैंटास्मेटा की ओर है।
ईसाई धर्म का यह प्रभाव बंगाल होते हुए हिंदी साहित्य पर पड़ा, या फिर यह कहें कि बंगला साहित्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुकरण हिंदी के कवियों के द्वारा किया गया। तो ईसाइयों का जो फेंटस मेटा जो था मतलब जो रोमांटिसिज्म था, जो रहस्यवाद था ईसाइयों में वेस्टर्न कंट्रीज में, तो उसका प्रभाव सबसे पहले पड़ा बंगला साहित्य पर। तो गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर पर इसका सबसे प्रभाव पड़ा और बंगला साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा, और उसके माध्यम से या फिर हिंदी साहित्य में आ गया, क्योंकि पुनर्जागरण या नवजागरण की चेतना ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल में जन्म लिया था। तो छाया शब्द के अर्थ की व्याख्या इससे इतर सूक्ष्म और वायुवीय मतलब वायु संबंधी के अर्थ में भी किया गया। तो छाया शब्द का मतलब केवल अस्पष्टता नहीं है, बल्कि इन्होंने इसे रहस्यात्मकता से भी जोड़ा, अध्यात्म से भी जोड़ा या अमूर्त चीजों से भी इसे जोड़ा गया। निश्चय ही संकेत छायावादी कविता की सूक्ष्मता, अनुभूति प्रबलता और कल्पनाशीलता की ओर। तो छाया शब्द से क्या तात्पर्य है? छायावादी कविता में जो सूक्ष्मता है, जो अमूर्तता है, जो रहस्यवाद है, जो कवि की अनुभूति की प्रबलता है, उसको अभिव्यक्ति प्रदान करने का जो तरीका है और जिस कल्पनाशीलता का उन्होंने सहारा दिया है, इन सबको मिलाकर भी हम छाया कह सकते हैं। इन तमाम संदर्भों में कहीं ना कहीं छाया शब्द का संदर्भ अस्पष्टता से जाकर जुड़ता है, क्योंकि ये सारी चीजें अमूर्त है, जो हमको दिखाई नहीं देती, दृष्टिगोचर नहीं होती, इसलिए कहीं ना कहीं जो छाया शब्द का अर्थ है वह अस्पष्टता से संबंध रखता है। जैसे कि छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद मोती के भीतर छाया जैसी तरलता का हवाला देते हुए कांति या चमक के रूप में नए अर्थ की ओर इशारा करते हैं। जैसे मोती के भीतर जब रोशनी पड़ती है तो एक विशेष प्रकार की चमक दिखाई देती है, तो उसी प्रकार तो यह जो छाया है भारतीय दृष्टि से अनुभूति एवं अभिव्यक्ति की भंगिमा पर निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान और उपचार वक्रता के साथ सहानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार छाया शब्द केवल स्पष्टता के लिए नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति में जो अनुभूति को महत्व प्रदान किया जाता है, जो कवि की अभिव्यक्ति को महत्व प्रदान किया जाता है, कवि की कविता में ध्वन्यात्मकता होता है, नाद का सौंदर्य होता है, अनुनाद होता है, एक गूंज होती है जिसको पढ़कर सुनकर मजा आता है, लाक्षणिकता होती है, प्रतीकात्मकता होती है, सौंदर्य में प्रतीक विधान होता है, बहुत एक से बढ़कर एक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, और विशिष्ट प्रकार से अपनी बातों को कहने का, कविता को लिखने का तरीका होता है जिसे उपचार वक्रता कहते हैं, और इन सब के साथ साथ कवि की निजी अनुभूतियों को विशेष प्रकार से अभिव्यक्ति प्रदान करने की एक व्यवस्था होती है, एक तरीका होता है, और ये सभी मिलकर छायावाद की विशेषताओं का निर्माण करते हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह अंत स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति की छाया कांतिमय होती है। जिस प्रकार मोती के भीतर जब रोशनी पड़ती है या जो चमक होती है मोती के अंदर, उसी प्रकार की खूबसूरती छायावादी कविता में होती है। मतलब छायावादी कविता इतनी बेहतरीन तरीके से अपने छायावादी जो कवि है इतने अच्छे तरीके से अपनी अनुभूति को व्यक्त करते हैं कि उसमें एक विशेष प्रकार के लावण्य अथवा सौंदर्य का दर्शन होता है और यह बहुत ही सुंदर होती है। छायावाद की समय सीमा क्या है, छायावाद का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, कहां से कहां तक होना चाहिए, यह देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद की शुरुआत 1918 ईस्वी से मानते हैं और इसका विस्तार 1936 ईस्वी तक, लेकिन छायावाद का आरंभ कब से होता है इसको लेकर विवाद है। अब डॉक्टर नामवर सिंह का क्या मानना है, इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो उसकी समय सीमा 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक मानते हैं, लेकिन डॉक्टर नामवर सिंह का क्या कहना है? डॉक्टर नामवर सिंह 1920 ईस्वी से छायावाद की शुरुआत मानते हैं, जब मुकुटधर पांडे के द्वारा पहली बार छायावाद संज्ञा का इस्तेमाल किया गया और इस पर व्यापक चर्चा हुई। डॉक्टर नामवर सिंह का कहना है कि मुकुटधर पांडे जी के द्वारा सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग शुरू हुआ, तो इसलिए 1920 ईस्वी माना जाना चाहिए और इसके बाद ही छायावाद पर चर्चा शुरू हुई हिंदी साहित्य में। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने 1918 ईस्वी में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद जी की रचना झरना से छायावाद की शुरुआत मानते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कहना है कि 1918 में जयशंकर प्रसाद जी ने झरना लिखी थी, इनके प्रकाशित हुई थी, इसलिए 1918 ईस्वी को हमको यह मानना चाहिए कि 1918 ईस्वी छायावाद की प्रारंभ की समय सीमा है। वे प्रसाद को छायावाद का पुरस्कर्ता कवि मानते हुए झरना को नए ढंग की कविताओं का पहला संकलन मानते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है, और जो उनकी कविता है झरना जो 1918 में प्रकाशित हुई थी, इससे छायावाद प्रारंभ होता है, और छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, और यही छायावादी कविता का पहला संकलन है झरना।
कुछ लोगों ने 1916 ईस्वी में प्रकाशित जूही की कली को आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु के रूप में स्वीकार किया है। कुछ लोगों का यह कहना है कि छायावाद की समय सीमा 1916 ईस्वी मानी जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो जूही की कवि कवि जूही की कली कविता लिखी थी निराला जी ने, तो इसे यह एक प्रस्थान बिंदु, यह प्रस्थान बिंदु शब्द आप प्राय पढ़ते होंगे, इसका मतलब होता है टर्निंग पॉइंट। प्राय बच्चों को पता नहीं होता प्रस्थान बिंदु ये जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है टर्निंग पॉइंट, जहां से खास चेंजेस आता है किसी प्रक्रिया किसी विचारधारा। तो जूही की जो कली कविता थी वह मानसल सौंदर्य बोध की कविता थी, जैसे कि रीतिकालीन कविता में नायक या नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया जाता था और शारीरिक चेष्टाओं और भाव भंगिमाओं को बहुत ज्यादा महत्व प्रदान किया जाता था कि नायिका कैसे शर्माती है, कैसे दिखती है, नायिका का सौंदर्य कैसा है, उसका वर्णन उसमें किया जाता था। मानसल सौंदर्य मतलब शारीरिक सौंदर्य और शारीरिक चेष्टाएं, नायक और नायिका की भाव भंगिमाएं। तो ये एक नई प्रकार की कविता थी इन्होंने जो जूही की कली लिखी थी 1916 में। अप्रस्तुत विधान, अप्रस्तुत विधान मतलब अमूर्त प्रतीकों का प्रयोग, चित्रात्मक भाषा मतलब जिसको पढ़कर बिल्कुल हमारे सामने एक चित्र बन जाता है, लाक्षणिकता मतलब प्रतीकात्मकता और छंदों के बंधन से मुक्ति, इन तमाम परिप्रेक्ष्य में जूही की कली ऐतिहासिक महत्व की कविता साबित होती है। मतलब जूही की कविता जो जूही की कली जो कविता है इसमें छायावाद के जितने भी लक्षण है, छायावाद के जितनी भी विशेषताएं हैं वह यहाँ पर दृष्टिगोचर होती हैं। अप्रस्तुत विधान, चित्रात्मक भाषा, लाक्षणिकता और छंदों के बंधन से मुक्ति, इसलिए जूही की कली कविता भी ऐतिहासिक कविता है और अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। लेकिन इसमें मौजूद स्थूलता और मानसलता तथ्य और संवेदना के धरातल पर इसे रीति काल के करीब ले जाती है। शायद यही कारण है कि छायावाद की शुरुआत 1916 ईस्वी के बजाय 1918 ईस्वी से मानी जाती है। लेकिन जूही की कली में आपने पढ़ा होगा कि जूही की कली और उसके जो प्रेमी जो हवा है उन दोनों की जो मुलाकात होती है, तो कुछ कुछ जो रीतिकालीन कवियों ने जिस प्रकार संयोग वर्णन किया है, नायक और नायिका का जो संयोग होता है, जो समागम होता है, उसका जिस प्रकार वो वर्णन किया है, उसी प्रकार निराला जी ने इसमें वर्णन किया है जूही की कली कविता में। तो इसमें मानसलता है, जिस प्रकार शारीरिक समागम के समय जो बातें होती है उस तरह इसमें वर्णन किया गया है, इसीलिए तो छायावाद की शुरुआत 1916 से नहीं माना जाता, जबकि जूही की कली में वे सारे लक्षण विद्यमान है, वे सारी विशेषताएं विद्यमान है जो छायावादी कविताओं में पाई जाती है। इसके बावजूद भी छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से मानी जाती है। 1920 की तुलना में 1918 का वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ईश्वर प्रसाद की झरना के अतिरिक्त सुमित्रानंदन पंत की वीणा और अगले वर्ष पंत की ही ग्रंथि का प्रकाशन होता है। तो 1918 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य छायावादी कवि भी सक्रिय हो चुके थे, जयशंकर प्रसाद जी की झरना के साथ साथ सुमित्रानंदन पंत की जो वीणा है यह इसका प्रकाशन हो गया था और इसके अगले वर्ष ही सुमित्रानंदन पंत की ग्रंथि का प्रकाशन होता है। आपने पढ़ा होगा वीणा ग्रंथि गुंजन पल्लव इत्यादि। ऐसी स्थिति में और जो पल्लव की जो भूमिका है उसको छायावादी काव्य का घोषणा पत्र कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा ये सारी कविताएं परीक्षाओं में पूछी जाती है। सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव का जो घोषणा पत्र लिखा था उसे छायावादी कविता का घोषणा पत्र कहा जाता है, उसकी जो प्रस्तावना उन्होंने लिखी थी। ऐसी स्थिति में यदि 1920 से छायावाद की शुरुआत मानी जाए तो झरना के साथ साथ विड़ा और ग्रंथि को भी छायावाद के दायरे से बाहर रखना होगा। तो यदि हम कहते हैं 1920 से छायावाद शुरू हो रहा है तो ये कविताएं बाहर हो जाएंगी, झरना तो बाहर हो ही जाएगी, विड़ा और ग्रंथि को भी हमको बाहर रखना पड़ेगा, तो 1918 की जो कविताएं वो बाहर हो जाएंगी इस दायरे से, इसलिए हम कह सकते हैं 1918 से ही छायावाद शुरू हुआ। शायद यही कारण है कि छायावाद पुनर्मूल्यांकन पंत जी की एक रचना है, छायावाद पुनर्मूल्यांकन, इसमें पंत जी ने झरना को छायावाद की पहली रचना माने जाने का विरोध करते हुए भी भावनात्मक धरातल पर जयशंकर प्रसाद जी के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए उन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, झरना को छायावाद की पहली रचना ना माना जाए, बल्कि जो जयशंकर प्रसाद जी के प्रति उन्होंने सम्मान प्रकट करते हुए कहा कि वे छायावाद के प्रवर्तक हैं। तो खुद अपने आप को वह नहीं देना चाह रहे थे, जयशंकर प्रसाद के प्रति उन्होंने आदर्श प्रदर्शित किया और कहा कि उन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाना चाहिए। इसलिए छायावाद की शुरुआत को 1918 से मानते हुए हमें पंत के इस निष्कर्ष को ध्यान में रखना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो छायावाद का जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था, 1918 ईस्वी में छायावाद का प्रारंभ हुआ था और उन्होंने लिखा कि मेरे विचार से छायावाद की प्रेरणा छायावाद के प्रमुख कवियों को युग की चेतना से स्वतंत्र रूप से मिली।
ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक कवि ने पहले उस धारा का प्रवर्तन किया हो और दूसरे ने उसका अनुगमन कर उसे विकास में सहायता दी हो। तो यद्यपि उन्होंने 1918 ईस्वी से छायावाद का प्रारंभ तो माना, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी को छायावाद का प्रवर्तक कहें या ठीक भी नहीं है, क्योंकि तो जितने भी छायावादी कवि हुए हैं उन्होंने अपने युग की चेतना से प्रेरणा ग्रहण की। मतलब उस समय जैसी तात्कालीन परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों से उन्होंने प्रेरणा ग्रहण की। जैसे भारत परतंत्र था, स्वतंत्रता की चेतना विद्यमान थी उस समय, लोग स्वतंत्र होना चाहते थे, पराधीनता से मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे, पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी, नवजागरण की शुरुआत हो चुकी थी। इसलिए हम ही किसी कवि को यदि इसका प्रवर्तक मानते हैं तो यह ठीक नहीं है, बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि उस युग की जो चेतना थी उससे प्रेरणा ग्रहण कर कवियों ने कविता लिखी, और ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक कवि ने यह छायावाद का प्रवर्तन किया हो और अन्य कवियों ने उसका अनुकरण किया हो और उसके विकास में योगदान दिया हो, ऐसा उनका मानना है। अब जहां तक छायावाद के अंतिम काल सीमा का प्रश्न है, अभी हम यह विचार कर रहे हैं कि छायावाद का शुरुआत और छायावाद की समाप्ति कब हुई। तो हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि छायावाद की समय सीमा वास्तव में क्या होनी चाहिए। तो हमने देख लिया कि छायावाद की शुरुआत कब मानी जा सकती है, 1918 ईस्वी में, और समापन छायावाद के अंतिम काल सीमा का प्रश्न है। तो निर्विवाद रूप से यह 1936 का वर्ष है, क्योंकि 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ का गठन हो गया था और प्रगतिवादी या प्रगतिशील कविता की शुरुआत हो चुकी थी, प्रगतिवाद की शुरुआत हो चुकी थी जो कि मार्क्सवाद पर आधारित है। इसी वर्ष पंत के द्वारा युगांत की रचना की जाती है। युगांत के द्वारा यह माना जाता है कि अब जो छायावादी कविता है उसका समय समाप्त हो चुका है। तो युगांत 1936 में प्रकाशित हुई थी और अगले वर्ष युगवाणी का प्रकाशन होता है। ऐसा माना जाता है कि युगांत के जरिए ही पंत जी ने छायावाद के अंत की घोषणा की, जबकि युगवाणी के जरिए वे प्रगतिशील संवेदना को युग की वाणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं जो युगांत कविता है उसके माध्यम से छायावाद की समाप्ति की घोषणा की जाती है 1936 ईस्वी में, और उसके बाद उन्होंने युगवाणी कविता लिखी जो युग की वाणी है वह प्रगतिशील चेतना से ओतप्रोत है। तो इसी प्रकार 1936 का वर्ष इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि इसी वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, इसी से प्रगतिवादी काव्य आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। प्रगतिवादी काव्य मतलब जो राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, कविता के क्षेत्र में वह प्रगतिवाद है। स्पष्ट है कि 1918 से 1936 ईस्वी तक छायावादी काव्य आंदोलन का दौर रहा है, और इस दौर में प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा मुख्य रूप से ये चार रचनाकार सक्रिय रहे हैं। तो इन्होंने छायावादी चतुष्टय कहा जाता है, चार कवियों का समूह, और छायावाद की समय सीमा स्पष्ट है कि अब 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है, और छायावाद के चार आधार स्तंभ कौन है, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि उस दौर में अन्य रचनाकारों की सक्रियता नहीं थी या फिर अन्य रचनाकार कुछ लिख नहीं रहे थे। सक्रियता तो थी, लेकिन इन चारों जो महान रचनाकार हुए, लेखक ये जो कवि हुए, इन कवियों की सक्रियता ने अन्य रचनाकारों को पृष्ठभूमि में धकेल दिया, मतलब उनका उतना महत्व नहीं रह गया। लेकिन आगे चलकर जो उत्तर छायावादी काव्य आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय काव्यधारा वगैरह जिसने जन्म लिया, तो इन कवियों की साहित्यिक पहचान बनी। ऐसे कवियों में कौन कौन से, मुख्यतः जो राष्ट्रीय कविता राष्ट्रीय विचारधारा पे अनुप्राणित जो कविता लिखने वाले कवि हैं उनमें है राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रीयता की भावना जिनमें प्रबल रूप से जिनमें विद्यमान थी, सिया रामशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी जिन्हें हम एक भारतीय आत्मा के रूप में नाम से जानते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि को रखा जा सकता है। तो ये कवि हैं जो उस समय सक्रिय थे, लेकिन बाद में इनको ज्यादा महत्व मिला छायावाद के बाद। अब छायावाद का नामकरण, एक छात्र ने मुझे पूछा था कि सर छायावाद के नामकरण के संबंध में कोई लेक्चर बनाइए, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता है कि छायावाद का नामकरण, क्या छायावाद को जो छायावाद नाम दिया गया वह सही है कि इसका कुछ अन्य नाम होना चाहिए, क्या छायावाद नाम सार्थक है इस काव्य आंदोलन के लिए, या फिर यह नाम सार्थक नहीं है, गलत ढंग से यह नाम दिया गया। तो इस कालखंड के नामकरण को लेकर भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। यद्यपि यह विवाद आदिकाल या रिधिकाल की तरह प्रभावी नहीं बन पाता, लेकिन कमोबेश अधिकांश आलोचकों ने यह स्वीकार किया है कि छायावाद संज्ञा इस दौर की साहित्यिक प्रवृत्तियों को समेट नहीं पाती है। पर जिस प्रकार आदिकाल के नामकरण का जो विवाद है, आदिकाल कहें कि वीरगाथा काल कहें कि सिद्ध सामंत काल कहें कि चरण काल कहें, इसी बार रीतिकाल कहें कि श्रृंगार काल कहें कि क्या कहें,
तो इस प्रकार जो विवाद उस समय हुआ था वो तो बहुत बड़ा विवाद था, तो उतना बड़ा विवाद नहीं है, लेकिन फिर भी जो अधिकांश आलोचक हैं उनका यह मानना है कि इस काव्य धारा के लिए जो छाया हुआ शब्द है वह समीचीन नहीं है, क्योंकि जितनी भी साहित्यिक प्रवृत्तियां उस समय व्याप्त थी उन सभी विशेषताओं को छाया हुआ शब्द समेट नहीं पाता है, शामिल नहीं कर पाता है। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इस संबंध में क्या कहना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद संज्ञा पर आपत्ति व्यक्त करते हुए, मतलब छायावाद नाम पर आपत्ति व्यक्त करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि छायावाद शब्द केवल चल पड़ने के जोर के कारण ही स्वीकारणीय हो गया, नहीं तो इस श्रेणी के कविता के प्रवृत्ति को प्रकट करने में यह एकदम असमर्थ है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह मानना है कि छायावाद शब्द प्रचलित हो गया, छायावाद शब्द वहां पर चल पड़ा था, इसका मतलब यह नहीं है, यह जो छायावाद शब्द है उस समय जितनी भी प्रवृत्तियां विद्यमान थी कविता में, जो विशेषताएं विद्यमान थी उन सभी को समेट नहीं पाता, बल्कि यह उसको समेटने में असमर्थ है। वे इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि बहुत दिनों तक इस काव्य का उपहास किया गया और बाद में भी इसे या तो चित्र भाषा शैली या प्रतीक पद्धति के रूप में माना गया या फिर रहस्यवाद के अर्थ में। तो उनका कहना है कि छायावाद शब्द का प्रयोग बहुत दिनों तक व्यंग्यात्मक रूप में किया गया, जिसका अर्थ समझ में नहीं आता था उसे कह देते हैं कि यह छायावादी कविता है, और बाद में यह बोला गया कि यह चित्र भाषा शैली में लिखा गया है। चित्र भाषा मतलब जैसे हम पढ़कर हमको कोई चित्र या कोई मूर्त प्रतिबिंब हमारे सामने बन जाता है हमारे दिमाग, या फिर प्रतीक पद्धति की कविता, अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता था, या फिर कहा जाता था कि यह रहस्यवादी कविता है और यह इंग्लैंड से मतलब विदेशों से आयातित कविता है। तो छायावादी कविता बाह्य इंद्रिय बोध और चेतन मन की सीमाओं को पार कर अचेतन के रहस्य लोक में पहुंचती है और जाने अनजाने उसका मर्मोद्घाटन करती है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि जो छायावादी कविता है वह क्या है, हमारी जो इंद्रिय बोध है जो हम चेतना से महसूस करते हैं, इससे भी आगे जाकर हमारे अचेतन मन में जो रहस्य लोग है, मतलब चेतन अचेतन और चेतन तीन प्रकार के मन होते हैं, आपने मेरे मनोविश्लेषणवाद के लेक्चर में देखा होगा। तो चेतन मन के माध्यम से हम सभी चीजों को देखते समझते हैं, लेकिन हमारे मन की गहराई में एक अचेतन मन है जो हमको दिखाई नहीं देता, जो रहस्य लोग है, जो अचेतन है, तो वहां तक पहुंचता है, मतलब यह जो अमूर्त चीजों है वहां तक यह कविता पहुंच जाती है, जो रहस्यवाद है, जो रोमांटिक चीजें है वहां तक पहुंचती है और उसका उद्घाटन करती है, उसको अभिव्यक्ति प्रदान करती है। तो इस प्रकार उनका कहना है कि छायावाद इन सभी जो बातें हैं इनका उल्लेख नहीं कर पाता है, उसके लिए यह शब्द पर्याप्त नहीं है, सही नहीं है। आगे चलकर डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि छायावाद नामकरण की सीमाओं का संकेत देते हुए लिखा है, छायावाद शब्द न तो अपने आप अपेक्षित अर्थ दे पाता है और न अन्य भारतीय साहित्य की धाराओं से जुड़ता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी इस शब्द को महत्व नहीं प्रदान किया, उन्होंने समर्थन नहीं दिया। उनका कहना है कि छायावाद अगर हम कहते हैं तो इससे कुछ अर्थ ध्वनित नहीं होता है, कुछ अर्थ पता नहीं चलता कि छायावाद क्या है, और न ही भारतीय साहित्य की जो अन्य धाराएं हैं, भारतीय साहित्य की जो अन्य विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को भी यह शब्द अभिव्यक्ति प्रदान नहीं कर पाता, इसलिए यह अपने आप में अपूर्ण है। डॉक्टर बच्चन सिंह का यह भी कहना है कि यह संज्ञा केवल इस दौर के काव्य के वैशिष्ट का संकेत देती है, न कि उस दौर के समग्र साहित्य के वैशिष्ट का, मतलब उस समय जो कविताएं लिखी जा रही थी तो उन कविताओं में जो विशेषता थी उसे केवल कुछ हिस्से की यह व्याख्या करता है, उनको सार्थकता प्रदान करता है, लेकिन जो अन्य विशेषताएं हैं वह इस छायावाद शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं हो पाती हैं। उदाहरण के रूप में प्रसाद के साहित्य को देखा जा सकता है, आगे भी कहते हैं कि प्रसाद जी के साहित्य को देख सकते हैं उदाहरण के रूप में, इनकी कविताओं को छायावादी कविता की संज्ञा दी जाती है, जबकि इनके नाटकों और कहानी को स्वच्छंदतावादी साहित्य की संज्ञा दी जाती है। तो यद्यपि जयशंकर प्रसाद जी की कविताओं को हम कहते हैं कि इनकी कविताएं छायावादी कविताएं हैं, लेकिन वहीं पर जब वो नाटक लिखते हैं या जो कहानी लिखते हैं तब हम कहते हैं कि यह स्वच्छंदतावादी साहित्य है, स्वच्छंदतावाद मतलब जो अंग्रेजी का रोमांटिसिज्म है। यही कारण है कि डॉक्टर बच्चन सिंह इस कालखंड के लिए छायावाद की जगह पर स्वच्छंदतावाद की संज्ञा देते हैं और कहते हैं कि यह एक ओर भारतीय साहित्य से भी जुड़ जाता है तो दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय काव्यधारा रोमांटिसिज्म से भी। तो डॉक्टर बच्चन सिंह का यह मानना है कि छायावाद के लिए जो छायावाद शब्द दिया गया है वह अपने आप में अपूर्ण है, अपने आप में सार्थक नहीं है, बल्कि इस कालखंड के लिए, इस काव्यधारा के लिए छायावाद की जगह पर स्वच्छंदतावाद कहा जाना चाहिए, इसका नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम स्वच्छंदतावाद कहते हैं तो इसके अंतर्गत भारतीय साहित्य की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं और तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, जो उस दौर में जो प्रवृत्तियां थी, कविताओं की जो विशेषताएं थी, उन सभी को यह शब्द शामिल कर लेता है
और दूसरा जो अंतरराष्ट्रीय काव्य धारा है रोमांटिसिज्म है, जो अंतरराष्ट्रीय स्वच्छंदतावाद है उससे भी यह जाकर जुड़ जाता है। तो यह हो गया, तो यह उनका मानना था। तो फिर जॉन किट्स, शैली, टेनिसन इत्यादि विलियम वर्ड्सवर्थ जो लिख रहे थे रोमांटिक कवि थे अंग्रेजी के, है ना, किट्स, शैली, टेनिसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, तो उनके जैसी कविताएं लिखी जा रही थी जिसे अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म कहते हैं, और इसी प्रकार की कविताएं छायावाद में भी लिखी जा रही थी। इसलिए उनका मानना था कि यह जो छायावाद शब्द है सही नहीं है, बल्कि स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग करना चाहिए, और जो रोमांटिसिज्म शब्द का जो हिंदी रूपांतरण है वह है स्वच्छंदतावाद। तो इस संज्ञा के अंतर्गत, तो जब हम इसको रोमांटिसिज्म कह देते हैं या फिर स्वच्छंदतावाद कह देते हैं, तो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इस संज्ञा के अंतर्गत, मतलब इस नाम के अंतर्गत, छायावादी काव्य की वे प्रवृत्तियां और विशेषताएं तो संकेतित होती हैं जिनका संबंध स्वच्छंदतावाद से जुड़ता है, लेकिन वे प्रवृत्तियां और विशेषताएं अलक्षित रह जाती हैं जिसका संबंध स्वच्छंदतावाद से नहीं जुड़ता है। अब इसमें क्या कमी रह गई, डॉक्टर बच्चन सिंह के बात में भी क्या कमी रह गई, कि वे सभी प्रवृत्तियां जो स्वच्छंदतावादी कविता की प्रवृत्तियां हैं वो तो ठीक है, स्वच्छंदतावादी कवि नाम में आ गया, लेकिन वे और भी प्रवृत्तियां हैं उसको छोड़कर, मतलब छायावादी कविताओं की जो अन्य विशेषताएं हैं वो इस स्वच्छंदतावाद शब्द में समाहित नहीं हो पाती हैं, जुड़ नहीं पाती हैं। विशेष रूप से छायावादी रहस्यात्मकता का इसे आभास नहीं मिल पाता है। उसी प्रकार छायावाद की जो उसी प्रकार छायावाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिस प्रकार स्वच्छंदतावाद की, तो जैसे छायावाद की रहस्यात्मकता एक अलग चीज है, जो अंग्रेजों, जो यूरोपियन कंट्रीज में जो रोमांटिसिज्म है उनका जो रोमांटिसिज्म है, उनका जो रहस्यवाद है, स्वच्छंदतावाद है, वह अलग है। लेकिन भारतीय जो रहस्यवाद है, अंग्रेजी में जो स्वच्छंदतावाद है, भारतीय में क्या है, भारतीय रहस्यवाद है, वह उसका आभास यह शब्द नहीं देता है। रोमांटिसिज्म शब्द या स्वच्छंदतावाद वादी शब्द जो शब्द है, रोमांटिसिज्म जो शब्द है या स्वच्छंदतावाद है, वह भारतीय रहस्यवाद को अभिव्यक्ति प्रदान नहीं करता है, तो इसलिए यह भी सही नहीं है। तो स्पष्ट है कि छायावाद एक व्यापक अवधारणा है। तो यह कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि छायावाद जो है बहुत ही व्यापक अवधारणा है, और इसके अंतर्गत स्वच्छंदतावाद और रहस्यवाद दोनों समाहित हो जाते हैं। यह स्वच्छंदतावाद शब्द रोमांटिसिज्म शब्द का हिंदी पर्याय है, और रहस्यवाद मतलब होता है मिस्टिसिज्म। रहस्यवाद में अज्ञात प्रीतम के प्रति जो प्रणय निवेदन करती हैं महादेवी वर्मा जी, तो यह रहस्यवाद हो गया। वैसे निराला जयशंकर प्रसाद जिन्होंने भी लिखा हुआ है, यह रहस्यवाद है। तो छायावाद यदि हम इसको नाम देते हैं, तो छायावाद के अंतर्गत स्वच्छंदतावाद भी आ जाता है और रहस्यवाद भी आ जाता है, तो इन दोनों को समाहित करते हुए हम इसे छायावाद कह सकते हैं। इसलिए छायावाद संज्ञा का इस्तेमाल इस कालखंड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इस प्रकार अंत में हम इस बात से सहमत हैं कि छायावाद को जो छायावाद नाम दिया गया है वह पूरी तरह से सार्थक है, और इस छायावाद के अंतर्गत ही स्वच्छंदतावाद और रहस्यवाद की सारी विशेषताएं शामिल हो जाती हैं। और इस प्रकार आप इसको छायावाद को भलीभांति समझ चुके होंगे। यदि आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो मेरी जो वेबसाइट है हिंदी शिखर www.hindishikhar.com, वहां पर जाकर मेरा आर्टिकल आज का पढ़ सकते हैं, और बाद में भी हमेशा उपलब्ध रहेगा आप लोगों के लिए। मैंने दो वेबसाइट्स बनाई हैं, हिंदी शिखर और हिंदी अदब, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप जरूर देखें। तो वेबसाइट को मैं अपडेट भी करते रहता हूं और हमेशा आपके लिए यह उपलब्ध रहेगी। अंत में मेरा पुनः आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही यदि आज का मेरा यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का यह प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।